नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। और हम हमारी नैनो कार से इस समय लगभग 6:30 बजे के आसपास में निकलने की तैयारी कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है पूरा, आपको दिख रहा होगा। ये हमारी जिम सेंटर का लोकेशन है जहाँ पर हम लोग अपना स्टार्टअप करते हैं और जहाँ से हम लोग सभी एक साथ निकलने की तैयारी करते हैं जिससे हम लोग समय पर पहुँच पाए। हमारी नैनो कार, हम बैठ के चलने की तैयारी में। रोड नंबर 14 की जो फ्लाईओवर जहाँ स्टार्ट होती है वहीं से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये इजी लोकेशन पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से सीधा इस बाईपास के थ्रू होते हुए हम लोग सीधा अपने बस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। नैनो कार चमक रही है हमारी और रोड एकदम खाली है। बड़ा मज़ा आने वाला है नैनो की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हुए। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चंदवाली से थोड़ा सा आगे और मॉर्निंग के लगभग 7 बज चुके हैं। मनोहरपुर वाला जो टोल प्लाजा है वो आएगा, लेकिन एज यूजुअल लोग उसे बचाने वाले हैं। चलिए आगे की जर्नी भी आपको शेयर करता हूँ। नैनो इस समय बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रही है, काफ़ी अच्छी सर्विस रही इस बार और उस सर्विस की वजह से नैनो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ड्राइविंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों हम लोग एक लंबी ड्राइव के बाद में लगभग 8:30 बजे के आसपास सेंटर में पहुंच चुके हैं। ये है होटल हाईवे एक्सप्रेस, यहाँ थोड़ी रुकते हैं पढ़ लो। अरे तो इन्होंने चेंज कर दिया शायद, चेंज कर दिया इन्होंने। पहले तो यहाँ पर वो हुआ करता था सीधा, अब इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया इसमें। लो चिल्लो, हम लोग स्टॉप कर दिए सीएनजी, जस्ट 10 मिनट वॉशरूम जाए। दोस्तों हम लोग सीएनजी के पंप पे पहुंच चुके हैं। ये नीम राणा का सीएनजी का पंप है और अभी अपनी नैनो में गाड़ी में भर जाएगा सीएनजी बहुत जल्द। इन्होंने पहले दूसरी गाड़ी तैयार कर दी। ये गाड़ी सब पहली बार ही देखते हैं जोर की है एकदम। यहाँ पर भी 89 रुपीज़ का भाव है जैसे। अरे इतनी जल्दी पैसे कैसे हो गए? अच्छा अच्छा, किधर वाला? नहीं इधर से। अच्छा जी, इस तरह के बहुत सारे हमें हाईवे के ऊपर देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। ये क्या चलने होगी भाई हम लोग अभी कुडली मानेसर के आसपास पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम आने में शायद हमें 15 से 20 मिनट और लगेंगे, 10:15 हो चुके हैं। नैनो अपनी स्पीड में, सीएनजी नैनो। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के करोल बाग में। आप देख सकते हो यहाँ की बहुत सारी वीडियोस आपके पास पहले भी डली हुई हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है ये सेकेंड हैंड कार्स का, स्कूटर्स का, मोटरसाइकिल्स का, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा तंग होता है। वो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर अलॉय व्हील्स लग रहे हैं इस समय टू व्हीलर्स के। और हम लोग पहुँच जाएंगे अभी कुछ ही देर में
जहाँ पर गाड़ियाँ सही होती हैं। फिर हमारी नैनो में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कराते हैं और नैनो को चलाने का आनंद भी लेते हैं। दोस्तों इस समय हम लोग दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हैं और वाकई में बड़ा मज़ा आया। हम वीडियो तो नहीं बना पाए हमारी नैनो में जो हमने छोटे छोटे से मॉडिफिकेशन किए, रीज़न वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कीचड़ पिचड़ से तो इस वजह से हम लोग वीडियोस तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ छोटे मोटे जो काम थे हमारी गाड़ी के वो हमने कराए। उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमें लाइट्स दिए थी वो लगवाई, LED बल्ब्स को सही कराने थे वो हमने सही करा लिए और गाड़ी थोड़ी सी दिखने में अच्छी करा दी। DRLs भी लगाई हैं हमने हेडलाइट के ऊपर। आप देखो इस समय हम लोग दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते पे हैं और गुड़गांव लगभग हमें अभी 22 से 30 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए जहाँ पर हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, जिस होटल में हमें पहुँचना है। और इस समय जो आप देख रहे हो ना दिल्ली एकदम जगमग करती है, जगमग, आपको ये फील ही नहीं आएगा कि आप इस समय हाईवे पे चल रहे हो। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि चारों तरफ से लाइट सी लाइट्स आ रही हैं और ये जो पोल्स के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो तिरंगा बने हुए हैं तो लाइट्स के रूप में, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हर तरफ जगमग हो रही है और चीज़ें बहुत सुंदर नज़र आ रही हैं। ये देखिए मुंबई एक्सप्रेस, ये जो हमारे वो जो नया अभी बना है ना फ्लाईओवर, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है और अभी थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने होटल पे, और फिर सुबह की जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। कल हमारा वैसे तो अवार्ड फंक्शन रहेगा, अवार्ड फंक्शन करेंगे और शाम को चुलकाना धाम जाएंगे, हम उसकी भी वीडियोज़ का आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुबह लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोग अभी होटल से बाहर निकल चुके हैं अपने अवार्ड फंक्शन पे जाने के लिए। ये एक छोटा सा हमारे होटल के पास में ढाबा टाइप था तो हमने सोचा कि सुबह हल्का सा नाश्ता यहाँ कर लेते हैं, जिससे पूरे दिन जो है, अब पता नहीं कैसा अवार्ड फंक्शन रहेगा, वहाँ पर जाने के बाद क्या टाइम शेड्यूल रहेगा कुछ नहीं पता चलता, तो फटाफट यहाँ से नाश्ता करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम लोग सुबह से पूरा अपना प्रोग्राम करके और अब चुलकाना धाम के लिए रवानगी ले चुके हैं। इस समय हम लोग गुड़गांव के सेक्टर, आप कह सकते हो 53 के आसपास, 42 के आसपास से निकल रहे हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर फ्लाईओवर्स बना रखे हैं और ये एक हम कह सकते हैं कि नीचे वाला जो रास्ता होता है ना बेसमेंट वाला, वो वहाँ से हम निकल रहे हैं। इस समय आप देखो कितने सुंदर इन्होंने अच्छे से गुड़गांव को बसाया हुआ है और मेट्रो भी यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर हमारे मेट्रो है, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये सभी मेट्रो के पिलर्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक बार किसी लेन में अपनी कार को डाल दिया है ना तो वो सीधा चलता ही जाएगा, कहीं कोई कट नहीं, कहीं कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, बस आपको एक स्पीड पर, नॉर्मल स्पीड आपकी, उसके ऊपर आपको अपनी कार को ड्राइव करना है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली गुड़गांव की इस लोकेशन पर। और ये समय हमें DLF की साइबर सिटी NH8 हवाई अड्डे की तरफ लेके जा रहा है राघविंदर मार्ग। पहुँचते हैं जल्दी चुलकाना धाम, फिर आप लोगों से रास्ते की कुछ बातें करते हैं और आगे पहुँच के आपको बताते हैं। मज़ा आ गया, एक और टनल मिल गई, बहुत अच्छी और लंबी टनल है, देखो कैसे घूम रही है एकदम। यहाँ पर ओवर स्पीडिंग एकदम सख्त मना है, नो किसी प्रकार की ओवर स्पीडिंग आपको नहीं करनी है, आपको ऐसा मजा नहीं करना है कि मेरे को टनल मिली है और इतनी अच्छी खाली रोड मिली है तो मैं ओवर स्पीडिंग कर लूँ। आप देख सकते हो इस साइड में वो लगा रखा है इन्होंने मीटर, जैसे आप ओवर स्पीडिंग करते हो आपको मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गाड़ी भी सपोर्ट कर रही है, चिल्ड हो रही है एकदम। द्वारका का पैसिफिक मॉल,
ये देखिए एस्केलेटर से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। दिखाते हैं यहाँ पर कितने कितने आइटम आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैकबेरी वीवा का शोरूम, इतना बड़ा मॉल, ओहो वो पर्ची। ठीक है आ जाओ, दोस्तों हम लोग इस समय करनाल वाली जो रोड है, जीटी करनाल वाली जो हाईवे है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। और दिल्ली वास्तव में छोटी नहीं है, दिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आप इधर देख सकते हैं मेरे राइट साइड में एक गुरुद्वारा है और ये केवल एक फ्लाईओवर है और मैं काफ़ी लंबे समय से इस पर चल ही रहा हूँ कंटिन्यूस। मतलब कि आज पहली बार मैंने एक तरह से दिल्ली में सब जगह घूमा हूँ। कल हम वहाँ करोल बाग गए थे, आज हम जीटी करनाल रोड के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये समय हम सीधा निकलेंगे अब हाईवे के ऊपर जो कि सोनीपत पानीपत की तरफ जा रही है। बड़ा मज़ा आया, थोड़ी सी थकान भी हुई। मज़ा इसलिए कह सकता हूँ कि इतना ट्रैफिक होने के बावजूद हम लोग कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहे हैं। मतलब कि हमें दिल्ली जैसे शहर में एक जैसे कहते हैं ना जाम वाली जो इशू है वो मुझे देखने को कहीं नहीं मिली और मैं बस चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। दोस्तों ये वाला जो रोड है जिस पे हम अभी चल रहे हैं ये दिल्ली टू करनाल और उसके आगे चंडीगढ़, वो वाला रोड पे हम लोग चल रहे हैं। हाईवे बहुत बढ़िया है, 4 लेन यानी टोटल 8 लेन का हाईवे है, बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम से निकले थोड़ा दिल्ली से, नहीं तो आज वास्तव में वहाँ दिल्ली में ही फंस जाते, इतना भारी ट्रैफिक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सीधे चलते रहें, कहीं भी आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है, इजी मूवमेंट है, गाड़ियाँ चलती रहती है। इस तरह का नहीं है जाम लग जाएगा। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे चुलखाना धाम, हमें दिखा रहा है लगभग 7:30 बजे के आसपास, बहुत जल्द आपसे वहीं पे मुलाकात होगी। दोस्तों ये देखिए हम लोग जा रहे हैं चुलखाना धाम। चुलखाना धाम का ये जो रोड है ये थोड़ा सा गांव के अंदर से जाता है और हमारी लाइट्स की सेटिंग बहुत अच्छी हुई थी कल, जो आप अभी कैमरे में देख सकते हो, बहुत अच्छा शानदार वाला फॉक्स आ रहा है इसका। करोल बाग में गए तो थे वहाँ थोड़ी देर उन लोगों के साथ में, शानदार, बहुत ही शानदार, मतलब कि एकदम क्लियरिटी दिख रही है कैमरे में तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अब वो मेगा शायद रोड किधर मेरी तरफ लंबा गंजा। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं चुलखाना धाम, हमारे वो चालू करो ये शीशा बंद करूं। और हमारी नैनो एकदम सक्सेसफुली लोड हो चुकी है, ये देखो नैनो के अंदर की लाइट, ऐसी लाइट हमारे पीछे भी लगवाई है, काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। क्या चीज़ इधर, क्या दूसरी
ये मंदिर का द्वार है जहाँ पर हम खड़े हैं। सुनो।